बिलासपुर की ये तस्वीरें विचलित करती हैं, सोचने पर मजबूर भी करती हैं। कुछ बच्चे अखबार बेचकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो कुछ फल सब्जी का ठेला लगाते हैं। इनकी पहचान हम उजागर नहीं कर सकते, लेकिन यह कड़वा सच है कि बाल मजदूरी अब भी एक कड़वी सच्चाई है। कोरोना काल में तो हालात और भी बिगड़ गए। कुछ बच्चे कहते हैं कोरोना ने पिता की नौकरी छीन ली, लिहाजा मजबूरन बाहर काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे यह भी कह रहे हैं कि वे इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह करते हैं। पढ़ाई छोड़ दिया हूँ। पढ़ाई छोड़ दिए? हाँ, मैं ठेला लगाता हूँ बृहस्पति बाजार में, अंगूर लगाए हूँ अभी। तो स्कूल बंद है तो अभी क्या? स्कूल बंद है तो कमाई कर रहे हो? हाँ। तो कमाई हो जाती है? हाँ। स्कूली छात्रों ने भी बाहर काम करने की मजबूरी को स्वीकारा। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए अभी सुबह सुबह टाइम पास के लिए बांट रहा था। पेपर बांटता हूँ। कितने घंटे काम करते हो? एक घंटे बस सुबह का। हाँ। कुछ बच्चे अखबार बेचते हुए भी मिले, डिस्ट्रीब्यूटर की दलीलें सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कहते हैं यह आज की बात नहीं है बल्कि सालों से होता आ रहा है। अब पढ़ाई लिखाई करना है और घर में मतलब बोझ ना बने करके अपना, जैसे पढ़ाई लिखाई में कुछ खर्च है माँ बाप से लेते हैं, वो ना लेना पड़े करके आते थोड़ा बहुत खर्च निकाले और घर में भी दें अपना पॉकेट खर्च भी निकालें। आप देखते होंगे कई बार इन बच्चों के घर में जाके भी देखे होंगे कैसी स्थिति रहती है। अभी स्थिति तो मतलब नॉर्मल है इसीलिए सब करते हैं, बड़े घर के बच्चे जैसे होते तो नहीं करते। हाँ। लेकिन ये सामान्य है इसीलिए सब करते हैं। बहुत से काम व्यापार बंद हो गए तो दिक्कत तो सभी जगह आई है, हर वर्ग में आई है और प्रभाव तो पड़ा है। आर्थिक व्यवस्था ठीक होने में भी समय लगेगा, इतना जल्दी ठीक नहीं होगी। अब देखिए रुकना तो चाहिए, 14 साल से नीचे के बच्चों को जो है तो काम पे नहीं लेना चाहिए कायदे से। 14 साल के बाद थोड़ा बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो वो कर सकता है थोड़ा बहुत। कोरोना ने तो बहुत इफेक्ट किया है, पूरे देश में ही क्या पूरे विश्व में इफेक्ट किया है। काफ़ी सारे बच्चे आए हैं यहाँ पे अभी, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं जिनमें बच्चों के पास मोबाइल ना होने के कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लोग मोबाइल फाइनेंस भी करवाते हैं यहाँ से, जिनका मंथली में जैसे 200-400 के हिसाब से काट लेते हैं अपन। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे अखबार लाइन में, तो उनको एक सुविधा हो जाता है जो सुबह सुबह आते हैं सर बांटते हैं। उनका जो मेहनताना उसके काटते हो आप? हाँ, मेहनताना उनका जैसे 1000 रुपये का किसी का है, किसी का 800, उसमें 200-250 रुपये पर मंथ के हिसाब से माइनस करते रहते हैं। शिक्षकों और स्कूल प्रशासन का भी कहना है कि कई स्टूडेंट बाहर काम करते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी नहीं जुड़ पाते। मैं दुकान जाना पड़ता है सर, तो उस टाइम में हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, 7 बजे से 8 बजे ही ठीक है ऐसा उनका कहना था। तो मैं 6 से 7 11वीं का लेता था ऑनलाइन और 7 से 8 12वीं का लेता था। नहीं, स्कूल आते थे तब तो प्रॉब्लम नहीं आता था, स्कूल तो बाकायदा अटेंड करते थे। जब से ये हुआ है, लॉकडाउन वगैरह हुआ है और ना कोरोना वाला प्रॉब्लम आया है, उसके बाद से ऑनलाइन शुरू हुआ, तो ऑनलाइन में ऐसा बोले हूँ। कम तो है सर, कम है, पूरे बच्चे नहीं आ पा रहे। जैसे मैथ्स में 4 बच्चे आए हैं, बायो में मतलब आपके 12-15 बच्चे हैं, जबकि दर्ज ज़्यादा है। हाँ है, कुछ ट्रैक्टर चला रहे हैं, कुछ धान मिसाई में जा रहे हैं, कुछ और काम में लगे हुए हैं, पारिवारिक स्थिति संभालने में लगे हुए हैं, तो कक्षा आने में दिक्कत होती है, तो मोबाइल में ऑनलाइन क्लास होता है उसमें अटेंड कर लेते हैं। शिक्षकों का यह भी कहना है कि पहले स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था होती थी तो छात्र उसके आकर्षण के कारण भी स्कूल आ जाते थे, लेकिन अब स्कूलों में अटेंडेंस बहुत कम है। और वास्तव में बच्चों को जो पोषण मिलना चाहिए, अब उनके गार्जियन कितना क्या करते हैं वो एक अलग बात है, पर यहाँ चूंकि कच्चा राशन हम देते थे, बना करके देते थे, या हमारे पहल संस्था है उनके माध्यम से होता था, तो बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल रहा था यहाँ पे, और उससे बच्चे प्रभावित भी हो रहे थे। मतलब आप लोग फील किए होंगे इतने सालों से आपका अनुभव है? निश्चित तौर पर मध्याह्न भोजन प्रभाव के कारण बच्चे आकर्षित हुए हैं और होते थे। हाँ बिल्कुल, वर्तमान में चूंकि स्कूल तो ओपन हो गया है पर वो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये संभव है कि वो अपने माता पिता के साथ में जाते रहे हों, कुछ काम करते होंगे। हाँ, काम करते होंगे, ये संभव है। सामाजिक जानकार नंद कश्यप की माने तो बाल मजदूरी की परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। इस दौर में, उस गरीबी के दौर में बाल श्रम भी बढ़ा है और गांव में तो 30-40-50 रुपए में बच्चे जो हैं वो खंती में भी जा रहे हैं, कुछ जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ सस्ते में वो कर भी रहे हैं काम, और ये हालत है। समाज की भी ये स्थिति है कि उन्होंने लगभग आँख मूंद लिया है कि सरकार, चूंकि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें जो हैं इस ओर संवेदनशील नहीं है,
तो लोग कह रहे हैं कि काम नहीं करेंगे बच्चे तो क्या करेंगे, भूख तो नहीं मरेंगे ना, ये इस तरह की हालत है समाज। बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम के मुताबिक 14 साल तक किसी भी बच्चे से बाल श्रम करवाना कानूनी जुर्म है। साल 2017 में जरूर कानून में आंशिक संशोधन किया गया जिसमें बच्चों को सशर्त आय प्राप्त करने का अधिकार मिला है। जानकारों के मुताबिक कोरोना काल में मजदूरों की आर्थिक संकट की वजह से भी बाल श्रम बढ़ा है। 14 साल से कम के बच्चे हैं, 14 साल तक के बच्चों को आप किसी भी प्रकार का बाल श्रम नहीं कराएंगे, बल्कि उन्हें शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हर एक बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, फिर बाल श्रमिक के लिए स्पेशली जो बनाया गया है हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है, उन सब के अंतर्गत बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है, बल्कि उनके सेहत, उनके रेस्क्यू, उनकी सिक्योरिटी, उनके उज्जवल भविष्य और उनके प्रतिभाओं को ध्यान रखते हुए उन्हें एजुकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए, इस आधार पर ही उनसे काम लिया जा सकता है। बहरहाल ईटीवी भारत ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए समाज में बढ़ रहे बाल श्रम की प्रवृत्ति और बेसुध प्रशासनिक सामाजिक रवैये की तस्वीर आपको दिखाई। जरूरत इस बात की है कि सभ्य समाज की इस काली हकीकत को अब नजरअंदाज ना करें, ताकि मासूमों के कंधों पर पड़े इस अतिरिक्त बोझ से हमारा समाज कलंकित ना हो। विशाल कुमार झा, ईटीवी भारत, बिलासपुर।